संभव है कि ये पूरा देश है, भारत देश है, आप विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौती के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा, तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता हमारे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है, आप विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है, और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौती के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। देखिए पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है कोई भी पार्टी तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे MP, जब कोई सरकार थी विरोध में कोई हम लोग थे तब नहीं सुनता था, हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं इनके नेतृत्व में हम लोग थे, तो अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे तो उन्हें सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी सबका बात सुनते थे। अभी सब कोई मतलब है जी, जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। सर, आखिरी बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा, तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता हमारे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। इसको जो मन करे जो लिखे कोई करे, तो हम कभी कुछ कहते हैं? जिसको जो मन करे करते रहे लिखते रहे, हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना, तो हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं। लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है, हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं सब छपता है, खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। जाने दीजिए किसी का नोटिस ले रहे हैं, आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है, आ कितना डेवलपमेंट हुआ कुछ पता है? क्या पता है लोगों को बताइए तो, कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज इतना काम हुआ है, आ कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है, और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं, तो ये हम लोग करते रहते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है?
अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको, जिसको जो मन करे बोल। आपके खिलाफ भी बहुत औलाद है, आप मानते हैं, कभी सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए और जरूरत पड़ेगा तब ना उसके बारे में बताते रहिए। नहीं आप तो मान से आप से देख लीजिए कब क्या काम किया है हम लोगों ने और कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, जरा देख रहे हैं ना और कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको, अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है।